हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14, जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और आज का भी हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल का पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले वर्कशीट में हमने हिमालय पर्वतमाला और गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा था। इस बारी हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। याद दिला दूँ मैं आपको, मैंने प्रायद्वीपीय पठार आपको समझाया था, ये जो ट्रायंगुलर सा त्रिकोण पार्ट होता है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसको प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। और पठार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, पर्वतमालाओं की तरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको हम पठार भी बोलते हैं। ओके, ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। चलिए जल्दी से वर्कशीट को रीड करते हैं। ये मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं, तभी इसको पठार बोलते हैं, जो पुराने रवादार मतलब दानेदार आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्केनो वगैरह जैसे कभी आया हो, ठीक है, और उसकी वजह से ज्वालामुखी, उसकी वजह से जो उसकी जो उसमें से जो निकलती है, आपको पता है लावा निकलता है और मैग्मा निकलती है, उसकी वजह से यहाँ पे शैलों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम आग्नेय शैल बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर बाद में वो रूपांतरित शैलों का भी रूप ले लेती हैं। तो ये जो पूरा पठार है हमारा आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है, ठीक है। ये धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ये पुराना हमारा भूभाग है, जहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे चोटियाँ नहीं होंगी, गोलाकार पहाड़ियाँ होंगी ऐसी, ठीक है, तभी ये इसको हमने पठार बोला है, इसको हमने कोई पर्वतमाला या ऐसा पर्वतीय क्षेत्र नहीं बोला है। खनिज पदार्थों जैसे कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता, जिनका काफ़ी औद्योगिक महत्व है, वो यहाँ मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि खनिज मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। चलिए, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि, ये कहाँ पर है, ये इधर है, यहाँ पे नर्मदा नदी के ऊपर इस तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ये अनटाइडी सा हो रहा है, बट मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि नर्मदा नदी क्योंकि यहाँ पे है, तो इसके ऊपर जैसे मध्य भूमि, मध्य बीच है ना, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब होता है पतला, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, चौड़ा, और यहाँ पे पतला हो जाता है वो, ठीक है। आगे इसको पढ़ती हूँ मैं यहाँ से, एक मिनट। हाँ, पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर हमारा चला जाता है बिहार की तरफ, ठीक है। तो कैसे पठार को बोल रहे हैं, ये मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा है पठार का, ठीक है। और इसके जो हर दिशा में वो किस प्रकार है वो समझाया है। इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ हैं उनके नाम देख लेते हैं, चंबल, बेतवा, कैन, दामोदर, ठीक है। चंबल, बेतवा, कैन, दामोदर, ठीक है, ये सारी नदियां हैं। दामोदर नदी जो है बंगाल में बहती है, ठीक है, और बेतवा आपकी मध्य प्रदेश में। पश्चिम में अब हम बात करेंगे हम दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। अभी हमने मध्य उच्च भूमि की बात करी थी, जो बिल्कुल उसके नर्मदा नदी के ऊपर है। अब हम नीचे आ रहे हैं थोड़ी सी। दक्कन का पठार क्या है, पश्चिम में ऊंचा होता है और पूर्व की ओर ये कम ढाल वाला होता है, ठीक है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे डेकन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है, और यहाँ पे कपास की खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। आपको पहले भी बताया था, क से कपास, क से काली, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी कि काली मिट्टी में कौन सी हम फसल उगाते हैं, तो वो है कपास। कपास मतलब कॉटन, रुई, ठीक है। और इस हिस्से को जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, ठीक है। ट्रैप मतलब समझ लो कि पकड़ लिया उसको, ठीक है ना। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो है वो है त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा क्या है, एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, और पश्चिम सिरे पर पूर्वी घाट और पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में है ये, ठीक है। उत्तर में क्या था, मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के दक्षिण में जो ये त्रिभुजाकार आकृति है, जो वही मैं आपको दिखाई थी, ट्रायंगल जैसा बना रहता है ये त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा पूरा है दक्कन का पठार, ठीक है। अब आते हैं हम इसका जो पार्ट है कुछ, इसमें क्या बताया है, इनके दो पार्ट्स के बारे में बताया है, एक तो पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट जो दक्कन के पठार में मिलता है। तो पूर्व तो ये है हमारा, तो ये पूर्वी घाट यहाँ है और पश्चिमी घाट यहाँ है, ठीक है। पूर्वी घाट के बारे में क्या बताया कि इसकी औसत ऊंचाई होती है 600 मीटर। इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक फैला है, महानदी घाटी जो उड़ीसा में है से लेकर नीलगिरी तक, जो एकदम दक्षिण में यहाँ तक फैला है,
ठीक है, यहाँ नीचे तक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं यहाँ से जो जाती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सारी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मुख्य रूप से सिर्फ नर्मदा और तापी होती है जो अरब सागर में जाती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। बड़ी सारी बातें हो गई इसमें। अब देखो मैं इसको थोड़ा क्लियर करके बताऊंगी तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये कि ये नदियां जो हैं वो जाके गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब जब गिरती हैं, गिरने से पहले अपने मुहाने पर यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है, जो सारे निक्षेप लाती है ना वो उनको यहाँ पे छोड़ देती है, तो एक त्रिभुजाकार आकृति से बनती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, याद रखना आपने, ठीक है। डेल्टा ग्रीक भाषा का शब्द है, उसको ट्रायंगल को डेल्टा ही बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है इसलिए, क्योंकि एक ऐसी ही आकृति यहाँ पे बनती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और क्योंकि ये नदियाँ यहाँ पे ऐसे देखो बह के जा रही हैं, तो ये लैंड को बीच में से काट रही है ना, भूमि को काट रही है ना, तो ये कटा कटा सा होता है। क्या? पूर्वी घाट जो है ये अक्सर कटा कटा सा होता है, अनियमित होता है इसका विस्तार, ये बिल्कुल एक तरीके से पूरा घाट नहीं है, पूरी भूमि नहीं होती, बीच बीच में नदियाँ हैं, तो ये क्या है? अनियमित। लेकिन उसी का उल्टा जो पश्चिमी घाट है ये नियमित होता है। क्यों? यहाँ पे ज़्यादा नदियाँ ही नहीं होती, क्योंकि वो तो अरब की खाड़ी में नहीं गिरती, सिर्फ दो ही हैं जो गिरती हैं, नर्मदा और तापी। ये एक इनके बीच का ना अंतर है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो सबसे ऊंची शिखर है, सर्वोच्च शिखर, उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। ये याद रखना है हमें, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। और उडगमंडलम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है यहाँ का, कहाँ का? पूर्वी घाट का, ठीक है, उडगमंडलम। नेक्स्ट हम चलते हैं जल्दी से पश्चिमी घाट की ओर, ये लास्ट पार्ट है हमारा। पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट की अपेक्षा ये ऊंचे होते हैं, सतत हैं और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है, ठीक है, ये ज्यादा है यहाँ पे, है ना, ऊंचाई देख लो इसकी तो 600 ही थी। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, नर्मदा, तापी, शरावती और अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। एस्चुरी क्या होता है? नदी का मुहाना, मुहाना मतलब मुंह, जो स्थल से आने वाला जल सागरीय खारे जल से जब मिल जाता है तो उस स्थान को हम बोलते हैं एस्चुरी। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको हम जॉग जलप्रपात बोलते हैं, स्थित है। ये कहाँ पे मिलता है आपको पता है? कर्नाटक में, जॉग फॉल्स बोलते हैं इसको, वाटरफॉल नहीं होता उसको जलप्रपात बोलते हैं, कर्नाटक में होता है ये जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है ये? शरावती नदी, ठीक है। और वर्षा होती है यहाँ पर, और पश्चिमी घाट में पर्वतीय जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची, वो है अन्नई मुडाई, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर, ठीक है, 2695 अन्नई मुडाई, ठीक है। तो दोनों की आपको ये सर्वोच्च शिखर याद होनी चाहिए। पूर्व में है महेंद्रगिरी, जिसकी तो बहुत ही कम है ऊंचाई, और इधर पश्चिम घाट की है अन्नई मुडाई, 2695 मीटर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में देखा, दक्कन का पठार ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। प्रश्न दो, मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखो? तो दो नदियों के नाम है चंबल और बेतवा। प्रश्न तीन, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है, मतलब एक समान, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है बल्कि अनियमित है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना कि नदियां जो हैं उसको घाट्स को काटती रहती हैं बीच में से। प्रश्न चार, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? संक्षेप में लिखिए, इसके मैंने चार पॉइंट्स लिखे हैं। प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, नंबर वन, यहाँ पर खनिज पदार्थ जैसे कोयला, बक्साइट और आदि बहुत मात्रा में मिलते हैं जो उद्योग में काम आते हैं। नंबर टू, यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं जो कि क्षेत्र के लिए एक वरदान है। नदियाँ आप सबको पता है ज़रूरी होती हैं, पानी का स्रोत है। नंबर तीन, यहाँ पर सुंदर भू आकृतियाँ जैसे पहाड़ियाँ, घाटियाँ, जलप्रपात देखने को मिलते हैं। उदाहरण है कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। नंबर फोर, यहाँ पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी में कपास की खेती। एक चीज़ आप देख रहे होंगे इस आंसर में, जैसे मैंने हाईलाइट करे हैं कुछ शब्द,
है ना, पॉइंट्स में, जैसे खनिज पदार्थ, सेकंड पॉइंट में नदियाँ, थर्ड पॉइंट में उदाहरण और जलप्रपात, फोर्थ में मैंने फसलें और कपास। अपने आंसर्स में सोशल साइंस के दो चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे आपको अच्छे अंक अवश्य मिलेंगे। सबसे पहली बात, उत्तरों को हमेशा आपने पॉइंट्स में लिखना है, ये आपका फर्स्ट रूल है सोशल साइंस के लिए। जब तक आपके सवाल में ये नहीं पूछा जाता कि एक संक्षिप्त नोट लिखें, तब तक आप अपने उत्तर पॉइंट्स में ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट्स में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जो आपको पता है आपके पॉइंट्स का जो मुख्य भाग है, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाइलाइटर से हाइलाइट कर सकते हैं, उनको अलग से निखर के दिखाना है आपने, ताकि जैसे ही एक नज़र पड़े तो उस आंसर में हमें दिख जाए उन सारे पॉइंट्स में कि ये मेन मेन चीज़ों के बारे में आपने लिखा है। जैसे आप इस वाले प्रश्न में, उत्तर में देखेंगे प्रश्न चार के, कि इसमें मैंने सारे जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हर पॉइंट की मैंने हाईलाइट कर दी है, तो एक नज़र में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट में हम खनिज पदार्थ की बात कर रहे हैं, दूसरे में नदियों की, तीसरे में हम बात कर रहे हैं जलप्रपात जैसे भू आकृतियों की, और चौथे में हम फसलों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो अपने पॉइंट्स को अगर आप ऐसे हाईलाइट करते हैं, आपको ज़्यादा अंक मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपके लिए बहुत ही एक अच्छी टिप है सोशल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और वर्कशीट्स एंड वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आती रहूँगी। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।